हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x माइनस 2022 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2023 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2026 अपॉन में 2, देन x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा x माइनस 2022 माइनस x माइनस 2023 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x माइनस 2022 इंटू में x माइनस 2023 इज इक्वल टू 1013। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2022, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2023 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस 2022 इंटू में एक्स माइनस 2023 इज इक्वल टू 1013। यहाँ पे देखिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस 2022 इंटू में एक्स माइनस 2023 इज इक्वल टू 1013। यहाँ पे देखिए, 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू में x माइनस 2022 इंटू में x माइनस 2023 इज इक्वल टू 1012। यहाँ पे देखिए, 2 को डिवाइड कर देंगे इस साइड तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 2022 इंटू में x माइनस 2023 इज इक्वल टू 506। यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में हम x माइनस 2022 को t के इक्वल मान लेते हैं। x माइनस 2022 इज इक्वल टू t, x माइनस 2022 इज इक्वल टू t। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 1, इस साइड भी माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2023 इज इक्वल टू t माइनस 1। इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हो जाएगा t इंटू में t माइनस 1 इज इक्वल टू 506। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 506 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 23t प्लस 22t माइनस 506 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, टी कॉमन ले लेंगे हमारे पास बच जाएगा टी माइनस 23, यहाँ से 22 कॉमन ले लेंगे हमारे पास बच जाएगा t माइनस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t माइनस 23 इंटू में t प्लस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास t की दो वैल्यू आ जाएगी 23 एंड t इज इक्वल टू माइनस 22। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास है x माइनस 2022 इज इक्वल टू t, t की वैल्यू 23 पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2045। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये हमारे पास है x माइनस 2023 इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2023 माइनस 23, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई 2045 एंड 2000, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।